सभी को वीडियो के माध्यम से एक विशेष सूचना दी जा रही है। छेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर लगने वाले दिव्य दरबार में संपूर्ण भारत देश के कोने कोने के श्रद्धालुगण अनुयायी आ रहे हैं। वर्तमान में स्थिति बहुत ही बागेश्वर बालाजी की कृपा से खूब जय जय है, खूब आनंद है, खूब भक्तों का रस समुदाय यहाँ पर व्याप्त है। परंतु एक करबद्ध प्रार्थना पुनः हम इस वीडियो के माध्यम से करना चाहेंगे। वर्तमान में बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर बहुत भीड़ चल रही है, अत्यधिक समुदाय बढ़ गया है, इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है बाहर से आने वाले भक्त जिस दिन जिस तारीख को टोकन नंबर वितरित हो उसी दिन आवे, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक समुदाय होने के कारण, प्रतिदिन ज्यादा भीड़ होने के कारण बाहर से आने वाले भक्तों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और हमारे मन में भी खेद लगता है। और वो भी बेचारे अपना काम धाम छोड़ करके आते हैं, आशा के साथ आ जाते हैं कि हम जाएंगे गुरु जी दो दिन में तीन दिन में हमसे मिल लेंगे, परंतु यहाँ दस दस दिन में नंबर नहीं आ पा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, दिन में भी दरबार लगा रहे हैं, रात को भी दरबार लगा रहे हैं, जितना बन पा रहा है उतना दरबार लगा पा रहे हैं, परंतु इतनी अत्यधिक भीड़ भाड़ हो गई है जिस कारण से जो है हम सभी से हाथ जोड़ करके पुनः प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी जिस दिन टोकन नंबर वितरित हो उसी दिन आवे, बीच के दिनों में न आवे, क्योंकि इससे आपको असुविधा होगी, आप अपने कार्य अपनी नौकरी आदि छोड़ करके आते हैं, अति इमरजेंसी हो, अति इमरजेंसी उस अवस्था में आप कम से कम 10 दिन का टाइम लेकर के आवे। मेरी प्रार्थना है 10 दिन के लिए ही बागेश्वर धाम आप आवे, तभी आपके अर्जी लग पाएगी, क्योंकि इतना समुदाय बढ़ गया है कि इसे संभालना बड़ा मुश्किल है। और जनवरी महीने के टोकन नंबर 16 जनवरी को टोकन नंबर वितरित होंगे, 16 जनवरी दिन बुधवार को बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर दिन में 10 बजे से सायं 4 बजे तक टोकन नंबर संपूर्ण महीने के वितरित होंगे। और पूर्व में ही हम आपको सूचना दे दें, जो पहले से बागेश्वर धाम आ रहे हैं, मंगल की पेशी कर पा रहे हैं, उन भक्तों के लिए बता दें जनवरी में संपूर्ण दरबार जनवरी का लगेगा। आगे फरवरी में 3 फरवरी तक हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे, इसके बाद 5 फरवरी से कथाएं लगी हुई हैं, तो कथाओं में भी दरबार लगेगा, परंतु टोकन नंबर से नहीं, वहां का ही अलग समुदाय रहेगा, जो वहां के समुदाय कथा सुनने आते हैं वो दरबार में भी बैठते हैं, इसलिए अत्यधिक भीड़ हो गई है। फरवरी माह में 5 फरवरी से 11 फरवरी तक ग्राम तिदनी नौगांव जिला छतरपुर में संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन है, जो आप बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर लाइव देखेंगे। 12 फरवरी से 15 फरवरी तक एक विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जाना होगा। 16 फरवरी से पुनः कथा का आयोजन है ग्राम रौरा सटई जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, जो 22 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है जनवरी महीने के टोकन नंबर प्राप्त करने के लिए भक्तगण कृपया करके 16 तारीख को ही आए, बाद में न आए। बाहर से आने वाले भक्त जो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से आते हैं, वो कृपा करके, हम कोशिश ऐसी कर देते हैं कि कोई भी बिना टोकन के नहीं जाता है, उन्हें मार्गदर्शन दे देते हैं, टोकन नंबर भी दे देते हैं, लेकिन आप बीच में आ जाते हैं तो असुविधाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि टोकन नंबर ही तो ज्यादा होते हैं, ऊपर से इमरजेंसी यहाँ पर बहुत बढ़ गई है। इमरजेंसी का अर्थ है कि कैंसर, कई एम्बुलेंस आती है, कई गंभीर रोगी आते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर रोगी आते हैं, दिन में 20 से 25, 30, 40 गंभीर रोगियों में ही समय देना पड़ता है, और फिर टोकन में भी देना पड़ता है, फिर आश्रम की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, और फिर दिन में भी दरबार, रात्रि में भी दरबार, तो ये शरीर है, तो कोशिश करते हैं कि जितनी हमसे सेवा बन पाए हम उतनी सेवा कर पाए। और इसमें कई लोग बेचारे रुष्ट होकर के चले जाते, महाराज जी ने हमें नहीं देखा, हम 2 दिन से हैं, 3 दिन से हैं, तो आपकी खोरी नहीं है, हमारी गलती है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि आपको हम पहले ही अवगत करा देते हैं कि कम से कम 10 दिन का टाइम लेकर के आए, तो आपको भी खेद नहीं लगेगा, और उसके अंदर ही हम आपकी अर्जी लगा देंगे, हमें भी प्रसन्नता होगी यहाँ की सुविधा अनुसार। ये हमारी करबद्ध प्रार्थना आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से, आगे पुनः हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। जय श्री राम।